तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी बेसन की ये जो सब्जी बनके तैयार हुई है, आपको देखने से इसका टेस्ट का अंदाजा लग गया होगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने ये लगभग 250 ग्राम के आसपास पानी जो है इसे गर्म करने के लिए इसे चूल्हे पे चढ़ाया है, और हम बेसन इसमें यहाँ पे 200 ग्राम के आसपास हमने लिया है जो कि एक कटोरी के आसपास है। तो हमने गर्म पानी कर लिया है और बेसन को इस प्रकार से एक बाउल में डाल लेंगे, और वो जो गर्म पानी हमने किया था उसे हम इसमें डाल के इसका एक अच्छे से डो तैयार करेंगे। ये बेसन की सब्जी बनाने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन हमने कुछ इस प्रकार के तरीके से बनाया है, तो आप अपने हिसाब से भी तरीके अपना सकते हैं। तो आप यहाँ पे हमने इस प्रकार से पानी डाल के इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इसमें नमक भी डाल सकते हैं, नमक और अजवाइन वगैरह भी डाल सकते हैं, तो आपकी अपनी पसंद है। हमने यहाँ पर बगैर नमक का ही बनाया है, नमक भी आप डाल सकते हैं तो उससे थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो आप जैसे चाहे इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो हमारे आटा को गूँथ लिया अच्छे से, ये सॉरी बेसन को। तो उसके बाद हम एक पैड लेंगे, उस पर इस प्रकार से थोड़ी सी तेल डालेंगे। उसके बाद जो है बेसन को जो हमने डो तैयार किया है उसे अच्छे से यहाँ पे मैश कर लेंगे इसे 2-3 मिनट के लिए, और कुछ इस प्रकार से इसका जो डो हमने तैयार किया कुछ इस प्रकार से प्रेस करके इसे एक आयताकार एक शेप देंगे हम, ताकि ये जो है इसे हम काट सकें अच्छे से, इसका साइज भी अच्छे से बन सके। तो वो शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतला मोटा ज़्यादा जैसा आप रखना चाहे। तो हम साइड से किनारे को पहले कट करके अलग कर लेंगे, ताकि ये जो है इसका रेक्टेंगल में हम शेप इसका अच्छे से बना सके। तो आप चाहे तो बगैर काटे भी हाथों से भी तोड़ तोड़ के भी इसका प्रेस करके आप बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो हमने इस प्रकार से कुछ कट किया है, और उसके बाद हम इस प्रकार से ये लगभग 1 इंच के आसपास के टुकड़े में हमने शेप में इसे काटा है। तो शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसे। तो फाइनली हमने कुछ इस प्रकार से सारे बेसन को कट किया है। तब हम टमाटर और प्याज का डोते पेस्ट तैयार किया है, और अदरक और लहसुन का भी हमने पेस्ट तैयार किया है। टमाटर हमने एक बड़ी साइज का लिया है, और प्याज जो है 2 बड़ी साइज का लिया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस चलेंगे। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डाल के इस प्रकार से हम इसमें डाल देंगे। तो डालते समय ये वीडियो कट हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो हमने उसे नहीं कर पाया। तो देखिए आप इसे डालने के बाद इसे अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाएंगे धीमी आंचों पे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए और इसके अंदर में भी कच्चापन ना रहे। तो आप हल्के आंचों में इसे पकाएंगे थोड़ी सी टाइम देके। आप चाहें तो डायरेक्ट तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, हमने यहाँ पे थोड़ी सी कम तेल में इसे पकाया है। तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये देखिए फाइनली हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद फ्रेंड्स हम उसी फ्राई पैन में तेल, उसी तेल में हम थोड़ी सी जीरा डालेंगे, उसके बाद हम हरी मिर्च डालेंगे इसमें जो कि हमने 3-4, और हरी मिर्च को 2 भागों में काटा है। तो इस प्रकार से हम डाल के इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। उसके बाद हम जो प्याज का हमने प्योरे तैयार किया था ग्राइंडिंग करके, आप चाहे तो बगैर ग्राइंड किए भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से डालेंगे तो थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए प्याज का हम भून के अच्छे से इसका पानी सुखा देंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका पानी सुखाने के बाद यहाँ पे जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है हमने यहाँ पे ये लगभग 1 इंच के अदरक के आसपास के टुकड़े को हमने लिया है, और 8-10 लहसुन की कलियाँ। तो उसे भूनने के बाद हम फिर इसमें टमाटर का जो प्योरे हमने तैयार किया था उसे हम डालेंगे। तो इन सब को हम अच्छे से इसे भून के इसका पानी सुखाएंगे पहले, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में हमने हल्दी, धनिया, सब्जी मसाला और ये लाल मिर्च पाउडर
जो कि कम तीखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। तो आपको तीखा जैसा पसंद हो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो इन सारे मसाले को हम डालने के बाद इसे अच्छे से मिला के अच्छे से मसाले को भुनेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका ये कलर भी आ गया है। तो अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेते हैं और नमक ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट और चला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पानी इसमें डाल देंगे और पानी आप इतना डालें ताकि हमने जो बेसन को रोस्ट करके उसका पीस वो अच्छे से इसमें पक जाए। तो उस हिसाब से पानी आप डालें। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा डाले हैं। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे जो हमने बेसन का जो गट्टा बनाया था तो उसे हम डाल के यहाँ पे इसे अच्छे से पकाएंगे कवर करके। अब डालने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट इसे अच्छे से पकाएं। तो फ्रेंड्स इसे इस रेसिपी को गट्टे की सब्जी भी आप बोल सकते हैं। तो ये देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो इसे हम अच्छे से कवर करके लगभग 5 से 7 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए इसमें कितना बढ़िया उबाल आ गया है और इसे हम बीच बीच में इसे चला देंगे आप। तो ये देखिए इसमें फिर से एक अच्छा सा बॉयल आया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी गर्म मसाला ऐड करके इसे बंद कर देंगे चूल्हे को। और बंद करने के बाद इसका जो गाढ़ापन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप उसी हिसाब से पानी डालें। तो फाइनली हमारा बनके तैयार है ये गट्टे की सब्जी, बेसन की सब्जी, जो भी चाहे आप अपने हिसाब से इसे बोल सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ये हमारा बनके तैयार हुआ फ्रेंड्स। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय जय भारत।